हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है जानी मानी शख्सियत सलमा जी। सलमा जी, देखा जाए तो आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे है और इस अवसर पर आप यहाँ पे मौजूद है। देखा जाए इस दिन में महिलाओं से जुड़ी हुई कई बातों पे चर्चा की जाती है, इसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं पुरुषों को और लॉ एंड ऑर्डर को दिया जाता है। आपको लगता है कि इतने सारे लॉ एंड ऑर्डर, जैसा कि शीला दीक्षित ने कहा कि विमेंस के फेवर में है, लेकिन इसके बावजूद भी जो मामले हैं, जो आंकड़े हैं, वो कम नहीं हो रहे, क्या इसके लिए कहीं ना कहीं लड़कियाँ, विमेन, औरतें जो है वो खुद जिम्मेदार नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल है। इसीलिए ये दिन जो बना है आज, वो इसीलिए इस दिन की नौबत आई, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, गवर्नमेंट डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग हैंड, उनको मदद करनी ही चाहिए और मेरा ख्याल है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट कर भी रही है बहुत कुछ औरतों के लिए। मोदी जी ने बहुत कुछ किया औरतों के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर एक कमज़ोर जेंडर समझ के आप इनकी मदद ना करें। मदद क्या लफ्ज़ होता है, मदद की ज़रूरत किसी को पड़नी नहीं चाहिए, आप अपनी मदद खुद करें। एंड दिस इज़ फॉर अ वुमन टू रियलाइज़ कि हेल्प मत मांगे, अपनी हेल्प खुद करें। दे आर केपेबल, दे कैन डू एनीथिंग। औरत प्राइम मिनिस्टर भी है, औरत वॉरियर भी है, औरत बिजनेसमैन भी है, शी इज़ अ मदर, सबसे बड़ी ये चीज़ है। सो हेल्प योर सेल्फ, शो द वर्ल्ड दैट यू आर वुमेन। आप खुद एक मुस्लिम फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं, और देखा जाए तो मुस्लिम फैमिली से कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने मकाम तक पहुँची, जिनमें से आप भी एक मिसाल के तौर पर हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई फैमिली है जहां पे औरतों को, लड़कियों को दबाया जाता है, उन्हें बाहर नहीं निकाला जाता, कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, रीज़नेबल तो किसी की बात माननी चाहिए, मगर जब चीज़ अनरीजनेबल हो जाए तो फिर किसी की माननी नहीं चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग आपको राइट है कि आप रहें, उस तरह से रहें जैसे आप खुश हों, और आपकी खुशी में हम नेसेसरीली ये नहीं कहते कि उसमें वो चीज़ें शामिल हों जो हमारी हिंदुस्तान की सोसाइटी या कल्चर हमारी अलाउ नहीं करती। कल्चर को नज़र में रखते हुए आप डिसेंट चीज़ों के लिए हमेशा उस पर फोर्स करें, इट्स योर राइट टू लिव लाइक दैट। आज के दिन पे अपने मुल्क की औरतों को, दोस्तों को, बेटियों को, बहुओं को आप क्या पैगाम देना चाहें? पैगाम सिर्फ एक ही है कि आप अपना सर गर्व से उठा के कह सकें कि हम एक हिंदुस्तानी औरत हैं, हमने अपने लिए अगर इस मकाम पे पहुँचे तो अपनी कोशिश से। टुडे आई कैन से आई एम अ वेरी प्राउड इंडियन वुमन। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से आज वुमेंस डे के तौर पे तमाम शख्सियत यहाँ पे सम्मिलित हुई थी, और सभी लोगों का यही मानना है कि लड़कियाँ खुद कमज़ोर नहीं है, काफ़ी ताकतवर है, बस ज़रूरत है एक सहारा की और एक बदलाव की, जो कि अभी तक बदलाव नहीं हुआ है। जिस दिन ये बदलाव लोगों की सोच में आ जाएगा, उस दिन से नारी कहीं भी किसी भी तौर पर पीछे नज़र नहीं आएंगे। मैं जॉयति सिंह, कैमरा पर्सन अंकित के साथ मुंशी टीवी।